दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है फुल आर्म्स वर्कआउट पर। आज हम बात करेंगे बाइसेप्स ट्राइसेप्स वर्कआउट पर। बहुत अच्छा और इफेक्टिव वर्कआउट है, आप इसे हफ्ते में एक या दो बार कर सकते हैं। इसमें एक ही दिन बाइसेप्स और ट्राइसेप्स को ट्रेन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वर्कआउट, जिसमें पहली एक्सरसाइज होगी डायमंड पुशअप। इससे आपके ट्राइसेप्स अच्छी तरह वार्म अप हो जाएंगे। इसके दो सेट लगाएं और हर सेट में 15 से 20 स्टेप लगाएं और हर सेट के बाद 1 से 1.5 मिनट का रेस्ट जरूर लें। एक्सरसाइज नंबर 2, ट्राइसेप्स पुश डाउन। इसमें बार को जब नीचे लेकर आएं तो अच्छी तरह ट्राइसेप्स को स्क्वीज करें और ऊपर अच्छी तरह स्ट्रेच करें। इसके 3 सेट लगाएं और हर सेट में 12 से 15 रेप लगाएं और हर सेट के बाद 1 से 1.5 मिनट का रेस्ट जरूर लें। एक्सरसाइज नंबर 3, स्कल क्रशर। इसमें इस तरह बेंच पर लेट जाएं, इसमें इजी बार का इस्तेमाल करें। जब बार को पीछे लेकर आएं तो अच्छी तरह ट्राइसेप्स को स्ट्रेच करें और ऊपर अच्छी तरह स्क्वीज करें। इसके भी 3 सेट लगाएं और हर सेट में 12 से 15 रेप लगाएं और हर सेट के बाद 1 मिनट का रेस्ट जरूर लें। एक्सरसाइज नंबर 4, ओवरहेड डंबल एक्सटेंशन। इस एक्सरसाइज को आप बैठ कर भी कर सकते हैं और खड़े होकर भी। जब डंबल को पीछे नीचे लेकर आएं तो ट्राइसेप्स को अच्छी तरह स्ट्रेच करें और ऊपर अच्छी तरह स्क्वीज करें। इसके भी 3 सेट लगाएं, हर सेट में 12 से 15 रेप लगाएं और हर सेट के बाद 1 से 1.5 मिनट का रेस्ट जरूर लें। एक्सरसाइज नंबर 5, डंबल किकबैक। इसमें आप थोड़ा इस तरह झुक कर खड़े हो जाएं, आपकी बैक बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए या आप किसी बेंच पर सपोर्ट भी ले सकते हैं। इसमें भी जब डंबल को पीछे लेकर आएं तो अच्छी तरह ट्राइसेप्स को स्क्वीज करें और आगे लेकर आएं तो अच्छी तरह ट्राइसेप्स को स्ट्रेच करें। इसके भी 3 सेट लगाएं, हर सेट में 12 से 15 रेप लगाएं और हर सेट के बाद 1 से 1.5 मिनट का रेस्ट जरूर लें। एक्सरसाइज नंबर 6, क्लोज ग्रिप बेंच प्रेस। ये भी ट्राइसेप्स के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। इसमें बार को क्लोज ग्रिप से पकड़ें और जब बार को नीचे लेकर आएं तो बिल्कुल अपने पेट के पास लेकर आएं और ट्राइसेप्स को अच्छी तरह स्ट्रेच करें और ऊपर अच्छी तरह एल्बो को लॉक करके ट्राइसेप्स को अच्छी तरह स्क्वीज करें। इसके 3 सेट लगाएं, पहले में 12, दूसरे में 10 और तीसरे सेट में 8 रेप लगाएं और हर सेट के बाद 1 से 1.5 मिनट का रेस्ट जरूर लें। तो फ्रेंड्स, यहीं पे हमारी ट्राइसेप्स की एक्सरसाइज खत्म होती है। उसके बाद हम लगाएंगे बाइसेप्स की एक्सरसाइज, जिसमें पहली एक्सरसाइज होगी इजी बार कर्ल। इसमें आप इजी बार का इस्तेमाल करें और बार को जब ऊपर लेकर आएं तो अच्छी तरह बाइसेप्स को स्क्वीज करें और नीचे अच्छी तरह स्ट्रेच करें। इसमें वेट उतना ही रखें जितने कि आप 10 से 12 रेप आराम से निकाल सको। ज़्यादा हैवी वेट न लें, नहीं तो आपकी फॉर्म खराब हो जाएगी। इसके 3 सेट लगाएं और हर सेट में 10 से 12 रेप लगाएं और हर सेट के बाद 1 से 1.5 मिनट का रेस्ट जरूर लें। एक्सरसाइज नंबर 8, प्रीचर कर्ल। इसमें भी आप इजी बार का इस्तेमाल करें और बार को जब नीचे लेकर आएं तो अच्छी तरह बाइसेप्स को स्ट्रेच करें और ऊपर 1 सेकंड होल्ड करके बाइसेप्स को अच्छी तरह स्क्वीज करें। इसके भी 3 सेट लगाएं और हर सेट में 10 से 12 रेप लगाएं और हर सेट के बाद 1 से 1.5 मिनट का रेस्ट जरूर लें। एक्सरसाइज नंबर 9, रोप हैमर कर्ल। इसमें आप रोप का इस्तेमाल करें और जब रोप को नीचे लेकर आएं तो अच्छी तरह बाइसेप्स को स्ट्रेच करें और ऊपर लेकर आएं तो अच्छी तरह बाइसेप्स को स्क्वीज करें। इसके भी 3 सेट लगाएं और हर सेट पे 10 से 12 रेप लगाएं और हर सेट के बाद 1 से 1.5 मिनट का रेस्ट जरूर लें। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा बाइसेप्स ट्राइसेप्स यानी फुल आर्म्स वर्कआउट पर। आप इसे हफ्ते में एक या दो बार कर सकते हैं। बहुत अच्छा और इफेक्टिव वर्कआउट है। इसे 1 महीने में आपके बाइसेप्स का साइज तेजी से बढ़ने लगेगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलेंगे अगली वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। जिसे देखने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय दोस्तों।